हाई यू गाइज, दिस इज अदिति, वेलकम टू माई चैनल। सो अब बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि मुझे जाना है वैक्सीनेशन करवाने और हमें अपनी सिटी में वैक्सीनेशन स्लॉट नहीं मिला। एक्चुअली यहाँ पे वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल ही नहीं है तो हमें दूर कर आना पड़ा। दैट इज हम रामपुर में रहते हैं, रामपुर के बाद आता है मुरादाबाद, उसके बाद आता है कुनरकी, एक छोटा सा गाँव है, मैंने कभी नहीं सुना उसके बारे में, बट आज देख लेंगे। तो वहाँ पर मेरा आज वैक्सीनेशन का हमें स्लॉट मिला है, मैं और मेरे हस्बैंड हम वहाँ पे दोनों जाएंगे। So, हमें टाइम मिला है 1 से 4 रात शाम को 1 से 4 बजे का और इसी बीच में हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो वहाँ पे जब 10 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी वैक्सीनेशन लगेगी। ऑल्सो मैं जो हूँ अनिका को अपने साथ नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज इट्स आई डोंट थिंक सो इट्स सेफ फॉर हर, तो वो रहेगी यहीं पे अपनी दादी के पास। कि हमें लगेंगे कम से कम 3 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे, बिकॉज 1 घंटा ट्रैवल करने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा वहाँ पे फॉर्मेलिटीज एंड स्टफ लाइक दैट, तो 1 घंटा तो हो ही जाता है। तो ये खेल है पूरे 3 घंटे का। सो इस बहाने एक छोटी सी ड्राइव भी हो जाएगी, बट सच में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि इट्स बीन मोर देन अ मंथ मैंने घर के स्टेयर्स से नीचे कदम भी नहीं रखा है। तो आई एम लिटिल स्कैर्ड, बट या बस गाड़ी में बैठना है, वहाँ जाना है, वैक्सीनेशन कराना है, वापस आ जाना है। मैंने अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क तो कंपलसरी ही है, उसके साथ मैं अपना फूल लेके जाऊँगी जो कि मैं गाड़ी में रख दूँगी, नहीं गाड़ी में नहीं रखूँगी, वीडियो कैसे बनाऊँगी फिर। आधार कार्ड लेके जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं और ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि मेरा सेकंड व्लॉग है। तो आफ्टर अ राइड ऑफ 1 आवर हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर और यहाँ पे अब इन्होंने हमसे आधार कार्ड, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और उस पर जो OTP आया है वो मांगा है। तो अर्जुन ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी है। नाउ वी आर वेटिंग। तो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है और अब हम वेट कर रहे हैं कब हमारा लगेगा। सो सबसे पहले नंबर आया अर्जुन का और आई वॉज सो हैप्पी, पहले अर्जुन के वैक्सीनेशन लगेगा उसके बाद मेरे। So here comes my number. I was the second one to get vaccinated in the whole batch and I was really very scared and इन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए और सही से बैठिए। तो उसके बाद इन्होंने मेरे वैक्सीनेशन लगाया। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वैक्सीनेशन लगाने के बाद इन्होंने मुझे कॉटन नहीं दिया, चलो खैर कोई बात नहीं। तो हमने लगवा लिया है वैक्सीनेशन और मेरे पति को इस बात का गम है कि उसने हमें कॉटन नहीं दी। सो येस गाइज, सो 20th March को हम लोग वैक्सीनेशन करा के घर पे वापस आ गए थे अराउंड 2 to 3 दोपहर में और उसके बाद एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली ओके। वी हैड अवर लंच, वी हैड शाम का नाश्ता, देन वी हैड डिनर। सो आफ्टर दैट वैन वी वेंट टू स्लीप, हमने सोचा आज मैं जल्दी सो जाती हूँ, नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, नो लेट नाइट जागना बिकॉज वैक्सीनेशन लगी थी। सो आई फेल्ट सो, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं जागना चाहिए, तो आई जस्ट वेंट सोने अराउंड 11 और थोड़ी देर बाद ही जब शायद 12:30 बजे आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैंने क्विल्ट लिया एक पतला एसी में जो हम यूज़ करते हैं, बाकी एक बहुत मोटी वाली रज़ाई जो अराउंड हम दिसंबर और नवंबर में यूज़ करते हैं वो वाली भी मैंने ओढ़ ली और उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आई थॉट अर्जुन को नहीं लग रही थी बिकॉज ही वॉज नॉर्मली स्लीपिंग, देन आई आस्क्ड हिम तो उसने बोला उसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो सबसे पहले हमने ये करा कि हमने अनिका को जो है वो दादी के रूम में शिफ्ट करा बिकॉज हम दोनों को ये लग रहा था कि अर्जुन का तो मुझे फिर भी लग रहा था कि उसे फीवर आएगा पर मुझे अपना नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे फीवर नहीं आता इतना, टच वुड। आई हैव बीन मैरिड टू अर्जुन लाइक फॉर 8 ईयर्स और मुझे आज तक इस घर में फीवर नहीं आया है, टच वुड फॉर दैट। और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई अराउंड सुबह 4 बजे तक। मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी था, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मेरे जहाँ पे वैक्सीनेशन लगा था यहाँ बहुत सॉर अजीब सा फील हो रहा था, स्वेलन भी था थोड़ा, तो यहाँ भी पेन हो रहा था, मतलब मैं इस साइड से सो नहीं पा रही थी। तो दैट वॉज माई सिचुएशन उस रात को। उसके बाद हम लोग जब सुबह उठे अराउंड 7 बजे मेरी फिर से आँख खुल गई और उसके बाद भी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं दूसरे रूम में जाके अकेले सो गई और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ शायद 1-1.5 घंटे बाद, तब भी आई वॉज नॉट इवन एबल टू मूव माई फिंगर, दूर की बात है मेरे से मेरी आइज़ भी नहीं खुल रही थी, इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रही थी। एंड देन वी
मतलब हम बेवकूफ़ों ने ये गलती करी थी कि उन्होंने हमें दो मेडिसिन दी थी, दैट इज़ पैरासीटामॉल। हम दोनों में से किसी ने नहीं खाई क्यों, और बट हमें खानी चाहिए थी, हमने पैरासीटामॉल नहीं खाई। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, बस मैं उठी हूँ, मैं बहुत मुश्किल से मैं उठी, उसके बाद मैंने चाय पी और दो टोस्ट लिए, और उसके बाद आई हैड मेडिसिन, और मेडिसिन खाने के बाद माई मतलब बुखार तो ऐसे ख़त्म हो गया, थोड़ी बहुत वीकनेस थी, बुखार मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा। मतलब मेडिसिन खाने के बाद मैंने 10-15 मिनट आधा घंटा मैं लेटी हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं रहा उसके बाद, और बस वीकनेस थी जो कि मुझे रात तक भी रही है वीकनेस, बट ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, यहाँ पे हल्का सा पेन है और कुछ भी नहीं है। सो आई प्रिफर टू यू गाइज कि अगर आपको रात को बुखार आए तो आप उस समय मेडिसिन प्लीज़ जो वो प्रोवाइड करें। मैं पैरासीटामोल मुझे दी थी इसलिए कह रही हूँ, आई एम नॉट रेफरिंग इट। वो लोग आपको जो दे वो वाली दवाई आप खा ही लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि रात ही रात में बुखार आएगा और रात ही रात में बुखार उतर जाएगा, बुखार आना अच्छी चीज़ है वैक्सीनेशन के बाद। सो दिस वॉज इट, ये हुआ था कि मुझे फीवर आया, मेरे हस्बैंड को भी फीवर आया। ऑल मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि इसमें सारी वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या कैसे होता है एंड स्टफ। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा, और प्लीज़ अगर 1% भी आपको लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट। बाय बाय।